नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है स्किलेट एकेडमी। मैं अमित वर्मा आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऑब्जेक्टिव्स करा रहा था। हमने जो ईएस में जो ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो और उन क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग अपने जो बेसिक कंसेप्ट हैं सब्जेक्ट के उनको समझने की कोशिश इस सीरीज में करेंगे, ठीक है। और जैसा कि हमने सेट वन कर चुके थे, अब जो हम सेट टू करने स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हमारा टॉपिक रहेगा कंसेप्ट बिल्डिंग थ्रू IES ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें एक क्वेश्चन में करीबन 2 से 3 फॉर्मूलेज का इस्तेमाल किया जाता है, या अलग अलग छोटे छोटे कंसेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, तो वो सब चीज़ें हम इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है जो इस सीरीज का, ये है कंसेप्ट बिल्डिंग थ्रू IES ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ये हमारी सीरीज टू है और सीरीज फर्स्ट हम लोग पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, और ये क्वेश्चंस आपके लिए SSC JEE हो गया और UP SSSC हो गया, UPSC असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन हो गया, उन सब जितने भी स्टेट सर्विसेज के एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये मैं करा रहा हूँ, ठीक है। और इसके पहले हमारे साइड बाई साइड रूपाली मैम जो आपके लिए SSC JEE के लिए सीरीज लेकर आई हैं और जो क्वेश्चंस करा रही हैं उनको भी आप जरूर देखिए। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, आप वहां पर जाकर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ सकते हो, ठीक है। और ये डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होगी जिसमें आपको एक क्वेश्चन के थ्रू आप SSC के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, और अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो आप मुझे कहीं भी फॉलो कर सकते हो, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फेसबुक, आप मुझे कहीं पे भी फॉलो कर सकते हो और मैं PDF आपको अवेलेबल करा दूंगा सारे लेक्चर्स के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2016 में आए हुए हैं और इसके पहले हमने 2017 और 2018 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला देखते हैं, टू सिमिलर बार्स ऑफ स्टील एंड एल्यूमिनियम आर हीटेड टू अ सेम टेम्परेचर, forces are applied at the ends of the bar to maintain their length unaltered. If the ratio of Young modulus of steel and aluminium हमको दे रखा है 3 and modulus of ratio of coefficient of thermal expansion of steel to that of aluminium दे रखा है 0.5. उसके बाद what is the stress, हमें stress पूछ रहा है aluminium bar में, अगर हमें stress steel bar में दे रखी है 100 MPa, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है हमको ये क्वेश्चन। सबसे पहले हमें पता है जनरलाइज हुक्स लॉ क्या होती है। हुक्स लॉ कहती है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, और अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दें तो स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक कॉन्स्टेंट जुड़ गया, ई इज व्हाट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और इनटू स्ट्रेन। अब कभी भी हमने मान लीजिए किसी भी मेंबर पर फोर्स लगाया, ठीक है, फोर्स के कारण हमारा स्ट्रेस जनरेट होगा। अब अगर इसी मटेरियल को हमने पहले फोर्स लगाएंगे तो ये एक्सपेंड कर जाएगा, और अगर मान लीजिए हमने इसको हीट किया, हीट करने पर हमें पता है बॉडीज एक्सपेंड करती हैं, बॉडीज एक्सपेंड करेंगी तो उसमें स्ट्रेन डेवलप होगा, स्ट्रेन डेवलप होगा तो स्ट्रेन के कारण आपके स्ट्रेसेस भी बॉडी में जनरेट होंगे। और सबसे पहले अगर आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछा जाए कि ये बताइए कि सबसे पहले स्ट्रेन आएगा या बॉडी में स्ट्रेस आएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए हमेशा बॉडी में स्ट्रेन पहले आता है और स्ट्रेस बाद में आता है। स्ट्रेस जो होता है हमेशा स्ट्रेन के कारण ही जनरेट होता है। ये इंटरव्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके, चाहे वो UPSC असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन हो गया, चाहे आपका SSC JEE हो गया। SSC JEE में तो इंटरव्यू फिलहाल नहीं है, लेकिन आपके जितने भी स्टेट सर्विसेज एग्जाम हैं उनमें इंटरव्यूज में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भले ही आप चाहे इंटरव्यू नॉर्मल प्राइवेट इंटरव्यू देना चाहते हो तो वहाँ पे भी ये आपको पूछ देते हैं, ठीक है। आजकल अक्सर बच्चे पढ़ाई तैयारी में कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे जब कॉलेजेस में इंटरव्यू होता है आपका तो वहाँ पे भी ये सवाल बेसिकली पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले स्ट्रेन आएगा या बॉडी पे स्ट्रेस आएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखते हैं हमें क्या दे रखा है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड एल्यूमिनियम दे रखा है, यानी कि मॉडुलस, यंग मॉडुलस ई ऑफ स्टील अपॉन ई ऑफ एल्यूमिनियम हमको दे रखा है, कितना इज 3 दे रखा है, ठीक है। एंड रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कितना होता है अल्फा ऑफ स्टील, ठीक है, अल्फा ऑफ स्टील अपॉन अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम हमको दे रखा है, हाउ मच इट इज गिवन एज 0.5 वैल्यू हमको दे रखी है। अब स्ट्रेन क्या होता है,
देख लेते हैं। अब समय पता है जो स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब जितना लेंथ चेंज होगा हीट करने पर, बॉडी को अगर हम डेल्टा डी टेम्परेचर से हीट करते हैं तो उसमें कितना एक्सपेंशन आएगा वो हमको डेल्टा एल बताता है। तो डेल्टा एल कितना होगा देख लेते हैं। इट विल बी एल एल्फा इंटू डेल्टा टी। ये आपका बॉडी का एक्सपेंशन होगा, ठीक है, कितने में, एल टर्म लेंथ में। और अगर स्ट्रेन निकालेंगे तो अपॉन ओरिजिनल लेंथ कर दिया, एल से एल कटा, तो कितना आया स्ट्रेन, एल्फा डेल्टा टी विल बी द स्ट्रेन। यानी कि सिग्मा की वैल्यू क्या हो गई, सिग्मा विल बी इज इक्वल टू, सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो गई सिग्मा की। अब हमको दे रखा है स्ट्रेस इन स्टील अपॉन स्ट्रेस इन कितना, स्ट्रेस इन स्टील दे रखा है 100 MPa। तो अगर हम सिग्मा ऑफ स्टील कर दें तो ये क्या होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इंटू एल्फा ऑफ स्टील इंटू डेल्टा टी। अब सिग्मा स्टील रखा है और सिग्मा एल्यूमिनियम देख लें कितना, दिस विल बी इक्वल टू यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इंटू एल्फा एल्यूमिनियम इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्योंकि सेम टेम्परेचर से हीट करा रहे हैं बॉडी को, तो डेल्टा टी कैंसिल हो गया। और सिग्मा एसटीएम को दे रखा है हाउ मच, स्टील दे रखा है 100 MPa, सिग्मा एल्यूमिनियम हमको फाइंड आउट करना है, और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ईएसटी अपॉन ईएल दे रखा है हाउ मच, 3, इट इज गिवन एज 3, और अल्फा ऑफ स्टील अपॉन अल्फा एल्यूमिनियम दे रखा है हमको 0.5, तो दिस विल बी इनटू 0.5। अब हम अगर सिग्मा एल्यूमिनियम की वैल्यू यहां फाइंड करेंगे, इट विल कम एज 66.7 MPa, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखिए हम इस क्वेश्चन के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को कैसे बरकरार रख सकते हैं या कैसे हम रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपने पूरा सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो अगर इस क्वेश्चन में आप देखिए कितने फॉर्मूलेज का इस्तेमाल हुआ। सबसे पहले हमने आपको हुक्स लॉ बताया, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो ये आपको हुक्स लॉ पता चल गई। दूसरी चीज आपको स्ट्रेन पता चल गया क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये आपको स्ट्रेन पता चल गया। अब चेंज इन लेंथ बॉडी को डेल्टा टी टेम्परेचर पर हीट करने पर, ठीक है, बॉडी है ये आपकी बॉडी है और इसको अगर हमने डेल्टा टी टेम्परेचर पर हीट किया तो इसमें कितना एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये एक्सपेंशन मार्क कितना होगा, एल एल्फा डेल्टा टी। यानी कि अगर ये लेंथ एल का है तो एल इंटू एल्फा, एल्फा इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इंटू डेल्टा टी, ये हमें बताएगा कि इस बॉडी में कितना एक्सपेंशन हुआ। तो ये तीन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमारे एक क्वेश्चन में दिए हुए हैं और ये तीनों आपको इस क्वेश्चन के थ्रू पता चल गए, ठीक है। तो इसलिए हमने आपके सामने ये सब्जेक्टिव इसीलिए लेकर आए हैं ताकि आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के जितने भी छोटे छोटे कंसेप्ट हैं वो सारे बिल्डअप हो जाएं एक साथ, ठीक है, और जिनके ऑलरेडी बिल्डअप हैं जिन्होंने पहले से ही पढ़ा हुआ है उनको थोड़ा सा रिविजन हो जाए उनके साथ सभी कंसेप्ट का, और प्लस आपको बेनिफिट होगा जो ईएस में क्वेश्चन आए हैं उसको सॉल्व करने का, और इससे आपकी ईएस की तैयारी भी चलती रहेगी कंटिन्यूसली। और जो गेट एग्जाम होता है फरवरी में उसके लिए भी ये छोटे छोटे कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स कॉन्स्टिट्यूटिव रिलेशनशिप। अब ये कॉन्स्टिट्यूटिव रिलेशनशिप क्या होती है ये देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव रिलेशनशिप हमेशा दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच होती है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूटिव रिलेशन हमेशा दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच होती है, और दूसरी चीज ये मटीरियल स्पेसिफिक होती है, ठीक है, कि ये सेकेंड चीज है, इट इज मटीरियल स्पेसिफिक। यहां पर मैं लिख देता हूं, इट इज मटीरियल स्पेसिफिक, ठीक है। तो यार दो फिजिकल क्वांटिटी हुई, दूसरी चीज मटीरियल स्पेसिफिक हुआ। तो देख लेते हैं कौन कौन सा रिलेशनशिप यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। सबसे पहले वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इन अ स्ट्रक्चर, क्या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इन अ स्ट्रक्चर में कोई फिजिकल क्वांटिटी या फिर मटीरियल स्पेसिफिक है? मटीरियल स्पेसिफिक तो यहाँ पर नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट हो रही है। सेकेंड चीज रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट इन अ स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी मटीरियल स्पेसिफिक चीज नहीं है, रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट किसी भी स्ट्रक्चर में हो सकता है। तीसरी चीज सिस्टम ऑफ फोर्सेज इन इक्विलिब्रियम, यानी कि कोई भी फोर्सेज इक्विलिब्रियम में कब होंगे, जब एफएक्स इक्वल टू, जब हमारी इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होंगी, तब या तो यहाँ पे भी कोई मटेरियल स्पेसिफिक बात नहीं हो रही है। डी ऑप्शन देखते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ अ मटेरियल। अब यहाँ पर आपकी मटेरियल की बात हो रही है, तो यानी कि स्ट्रेस स्ट्रेन
दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप प्लस मटेरियल स्पेसिफिक, यानी कि किसी भी मटेरियल की स्पेसिफिक की प्रॉपर्टीज वो इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, किसी भी सॉलिड मटेरियल की, ठीक है। तो यानी कि डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यानी कि इस क्वेश्चन में हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूटिव रिलेशनशिप क्या होती है, फर्स्टली दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में होती है और सेकेंडली मटीरियल स्पेसिफिक होती है, ठीक है। जब कोई किसी भी सॉलिड मटेरियल के बारे में आप उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में रिलेशनशिप कंस्टिट्यूट कर रहे हो, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूटिव रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट बिटवीन द टू फिजिकल क्वांटिटीज एंड मटीरियल स्पेसिफिक। सो आपका करेक्ट आंसर क्वेश्चन का हो गया, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, इन द इनफाइनाइटली स्मॉल स्ट्रेन थ्योरी डायलेशन इज टेकन एज एन इनवेरिएंट। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और आपको बताना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है, इनमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट क्या था, इन द इनफाइनाइटली स्मॉल स्ट्रेन थ्योरी डायलेशन इज टेकन एज एन इनवेरिएंट, डायलेशन को हम इनवेरिएंट लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, डायलेशन इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल नॉर्मल स्ट्रेसेस। तीसरा क्या है, द शियरिंग मॉडुलस इज ऑलवेज लेस दैन द मॉडुलस इलास्टिक मॉडुलस, ये करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन हमारी सही है। अब फर्स्ट देखते हैं क्या है, सबसे पहले इनफाइनिटली स्ट्रेन थ्योरी में जो डिस्प्लेसमेंट, जो मटेरियल का डिस्प्लेसमेंट होता है, दैट इज मच वेरी मच स्मॉलर दैन द रिलेवेंट डायमेंशंस ऑफ द बॉडी। जो डिस्प्लेसमेंट है, मटेरियल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, जो मटेरियल डिस्प्लेसमेंट है वो रिलेवेंट बॉडी के रिलेवेंट डायमेंशन से मच स्मॉलर है, ठीक है। एंड दैट इज यानी कि डायमेंशन मतलब उसकी ज्योमेट्री या मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। इट कैन बी मटेरियल प्रॉपर्टी और उसके डायमेंशन, इट कैन बी रिमेंड एज अनचेंज, ठीक है। दैट इज डायलेटेंट इज इनवेरिएंट, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका डायलेटेशन है वो आपका इनवेरिएंट है। हेंस वन ऑप्शन इज करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन डायलेशन इज नॉट प्रोपोर्शनल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल नॉर्मल स्ट्रेसेस, यस करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। यानी कि जो डायलेटेशन होता है ये प्रोपोर्शनल नहीं होता एल्जेब्रिक सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस के, हेंस सेकेंड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। हेंस वन टू एंड थ्री तीनों स्टेटमेंट हमारी सही है, सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल गया कि इनफाइनेटली स्मॉल स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन थ्योरी क्या होती है और डायलेटेशन किस पे प्रोपोर्शन होता है, और ये चीज पता चल गई कि जो शियरिंग मॉडुलस है वो हमेशा इलास्टिक मॉडुलस के कम रहता है, ठीक है। तो आइए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। तो गाइस अगर आपको वीडियो साथ ही साथ अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी इन क्वेश्चंस का फायदा उठा सकें, ठीक है। और ये बहुत ही मेहनत से हमने वीडियो बनाया है तो प्लीज इसको लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आप चाहते हो कि हम आपके लिए अगला सब्जेक्ट कौन सा लेकर आए तो आप कमेंट बॉक्स में उसके लिए कमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ जो आपका एससी जेई का एग्जाम आने वाला है जो 1 सितंबर को है, उसके लिए रुपाली मैम आपके लिए सीरीज लेकर आई है, तो उन वीडियोज को आपको जरूर देखना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से हमारी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, देखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट हो गई, स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड स्ट्रेस इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी कि जिस डायरेक्शन में हम स्ट्रेस लगा रहे हैं बॉडी में उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन डेवलप होगा दैट इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यानी कि मैं समझा देता हूँ, अगर मान लो ये आपकी कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, आपने इसमें इस किस तरीके से फोर्स लगाया, अब क्या हुआ इस डायरेक्शन में कुछ स्ट्रेन हुआ, इस बॉडी में कुछ स्ट्रेन हुआ, ठीक है। अब स्ट्रेन हुआ तो स्ट्रेन के कारण बॉडी में स्ट्रेस आया, तो अब जो बॉडी का स्ट्रेन डेवलप हो रहा है बॉडी के डायरेक्शन में, यानी कि अगर सिग्मा एक्स एक्स डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है, ठीक है, मान लो पी एक्स एफ पी एक्स हमने फोर्स लगाया है इस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में आपका जो स्ट्रेन होगा दैट विल टर्म एज longitudinal strain, that is will be the longitudinal strain, ठीक है। और हमें पता है इस बॉडी के नॉर्मल डायरेक्शन में क्या होगा, कंप्रेशन होगा, क्योंकि बॉडी दब जाएगी। मान लो इस तरह हमने स्ट्रेस लगाया एक्स डायरेक्शन में तो ये बॉडी कुछ इस तरीके से पतली हो जाएगी, ठीक है, यानी कि यहाँ दब जाएगी और इधर इसकी लेंथ जो है बढ़ जाएगी, इंक्रीमेंट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, दिस इज लॉन्ग, जो जिस डायरेक्शन में स्ट्रेस लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में लगाओगे तो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा और ये आपका लेटरल स्ट्रेन कहलाएगा, दिस विल बी टर्म्ड एज
लेटरल स्ट्रेन, ठीक है, तो ये आपका लेटरल स्ट्रेन होगा। तो फर्स्ट हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट स्टेटमेंट है, दैट इज स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड स्ट्रेस इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सेकंड देखते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस रिजल्ट्स इन टेंसाइल स्ट्रेन इन लीनियर एंड लेटरल डायरेक्शन, क्या ऐसा है? नहीं, जब कभी भी हम बॉडी में टेंसाइल स्ट्रेस लगाते हैं तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेन जो जनरेट होगा जो लेटरल डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल होगा इस डायरेक्शन में और लेटरल होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी कि उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। हेंस सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, इट इज नॉट करेक्ट। अगला देखते हैं, स्ट्रेन इन ऑल डायरेक्शंस परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड स्ट्रेस आर नोन एज लेटरल स्ट्रेन। बिल्कुल सही, अगर जिस डायरेक्शन में स्ट्रेन लगाई स्ट्रेस लगाया है या फोर्स लगाई है उसके अलावा और डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलर उस प्लेन की डायरेक्शन है जो वो स्ट्रेन डेवलप होगी वो से हम कहते थे क्या? लेटरल स्ट्रेन। मैंने अभी आपको ये चीज बताई थी, हेंस फर्स्ट ऑप्शन ऑल्सो करेक्ट, थ्री थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा एकदम करेक्ट है। चौथा देखते हैं, रेशियो ऑफ रेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम विल बी द लेटरल विल बी द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेवलप्ड, ठीक है। हेंस फोर भी आपका ऑप्शन एकदम सही है, यानी कि ये तीन ऑप्शन हमारे एकदम सही है, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि पहला तीसरा और फोर्थ। पहला क्या था, मैंने अभी इस क्वेश्चन से हमने क्या क्या चीज सीखी, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन डेवलप होगा दैट विल बी टर्म्ड एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और अगर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्ट्रेन डेवलप हो रही है वो कहलाएगी आपकी लेटरल स्ट्रेन। तीसरा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम विल बी द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेवलप्ड, यानी कि तीन चीजें हमें इस क्वेश्चन में पता चली और तीन कंसेप्ट हमारे जो बेसिक कंसेप्ट स्ट्रेंथ सोम के हैं वो हमें पता चले, ठीक है। पहला तो आपका ये हो गया लेटरल स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, फिर दूसरा आपका हो गया चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम दिस विल बी द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये दो कंसेप्ट कह लो या फिर तीसरा कंसेप्ट ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वाला भी आप तीसरा भी कह सकते हो, ठीक है। तो तीन टोटली ऑलमोस्ट तीन क्वेश्चन पता चल गए इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ऑफ अ सिलिंड्रिकल बार ऑफ 25 mm डायमीटर एंड 1.5 मीटर लेंथ इज फाउंड टू बी थ्री टाइम्स द लेटरल स्ट्रेन इन द टेंसाइल टेस्ट, यानी कि जो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है यानी कि स्ट्रेन जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है दिस इज इक्वल टू थ्री टाइम्स द लेटरल स्ट्रेन, थ्री टाइम्स द लेटरल स्ट्रेन है, ठीक है। और कौन से टेस्ट में? टेंसाइल टेस्ट में। और इसका डायमीटर दे रखा है, डायमीटर कितना दे रखा है? 25 mm का, और लेंथ दे रखी है आपकी 1.5 meter। तो अब हमें बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस बाय अज्यूमिंग E इज इक्वल टू 1 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू क्या है? के इज इक्वल टू, हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E दे रखा है कितना? 1 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये हमको वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हमें पॉइजन रेशियो पता होना चाहिए क्या होता है। तो पॉइजन रेशियो म्यू इज इक्वल टू व्हाट? स्ट्रेन इन लेटरल डायरेक्शन अपॉन स्ट्रेन इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस साइन भी लगा देते हैं, तो ये आपका हो गया पॉइजन रेशियो। अब इस रिलेशन से हम फाइंड आउट कर लेते हैं म्यू की वैल्यू पॉइजन रेशियो। तो पॉइजन रेशियो म्यू क्या आएगा? विल बी इक्वल टू 1/3 फ्रॉम दिस रिलेशन। सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल नीचे गया, 3 नीचे आया, तो 1 तो म्यू विल बी इक्वल टू हाउ मच? 1/3। अब हमें रिलेशन पता है, क्या होती है रिलेशन? के इज इक्वल टू ई अपॉन थ्राइस ऑफ 1 − 2 μ, ये हमारी रिलेशनशिप होती है के और बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में। तो यानी कि हमें म्यू की वैल्यू दे रखी है 1/3, ई की वैल्यू दे रखी है हमें 1 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, म्यू भी दे रखा है, ई भी दे रखा है,
तो हम लोग इजिली बल्क मॉडुलस यानी कि के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे, दिस वैल्यू कम विल बिकम एज 1 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया 1 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। हेंस सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपने देखा इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें पता चली। सबसे पहले हमें पॉइजन रेशियो पता चला, क्या होता है पॉइजन रेशियो, नेगेटिव साइन ऑफ स्ट्रेन इन लेटरल डायरेक्शन अपॉन स्ट्रेन इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। सेकेंडली हमें एक रिलेशन पता चला, k इज इक्वल टू ई अपॉन थ्राइस ऑफ 1 − 2 μ, जो कि हमारा k क्या है, बल्क मॉडुलस, और ई हमारा क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इन दोनों के बीच में हमको रिलेशन पता चल गया, और इस रिलेशन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस रिलेशन पे डायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, और आपसे ये भी पूछ दिया जाता है कि पॉइजन रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो जितने भी जेई लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका पॉइजन रेशियो क्या होता है। कहीं आपको कंफ्यूज करने के लिए माइनस साइन लगा देगा, कहीं आपको कंफ्यूज करने के लिए माइनस साइन नहीं लगाएगा। तो आपको याद रखना है कि हमेशा माइनस साइन यहाँ पर लगा रहेगा। ठीक है, तो पॉइजन रेशियो हो गया माइनस लेटरल साइन अपॉन स्ट्रेन इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। तो करेक्ट आंसर विल बी सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, फॉर एन इलास्टिक मटेरियल पॉइजन रेशियो हमको दे रखा है म्यू, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमको दे रखा है ई, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हमको दे रखा है सी। मोस्टली हम इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, आप मोस्टली किताब में इस मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को जी से रिप्रेजेंट देखोगे, और बल्क मॉडुलस इज रिप्रेजेंटेड बाय के, और म्यू हम पता ही है क्या है, इज अ पॉइजन रेशियो। तो ये जो इसके बीच में जो रिलेशनशिप होती है के जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ई एंड म्यू में, ये क्या होती है, म्यू इज इक्वल टू 3k − 2g अपॉन 6k + 2g। ठीक है गाइस, ये रिलेशनशिप आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने अभी तक आपको 2-3 रिलेशनशिप बता चुके हैं, तो उन वही वो सारी रिलेशनशिप आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन पे डायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चन पूछ देते हैं। आपको k की वैल्यू दे देंगे, g की वैल्यू दे देंगे, म्यू की वैल्यू बताओ, या म्यू की दे देंगे, k की वैल्यू बताओ और g की वैल्यू गिवन रहेगी। तो ये रिलेशन आपको बाय हार्ट लर्न करने हैं अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखते हैं किससे मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, बी भी नहीं मैच कर रहा, डी भी नहीं मैच कर रहा, यहाँ पे सी भी नहीं मैच कर रहा, क्योंकि यहाँ पे 6 है, बट यहाँ पे ये बाय मिस्टेक 6 टाइप हो गया है, यहाँ पे ये 3 होना चाहिए। ठीक है, दिस शुड बी 3। अब यहाँ पे 3k − 2c अपॉन 6k + 2c। अब यहाँ पे मैंने जी लिखा है, तो यहाँ पे जी को आपको सी से रिप्रेजेंट कराया गया है, तो इसलिए यहाँ पे सी लिखा है, यानी कि रिलेशन क्या रहेगा, 3k − 2c upon 6k + 2c, that is c will be the correct answer for this question। तो ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको आपको याद करना है बाय हार्ट। ठीक है, अगला देखते हैं, अ माइल स्टील बार ऑफ लेंथ हमको दे रखा है 450 mm, यानी कि एक माइल स्टील बार है, लेंथ हमको दे रखी है 450 mm की, टेपर्स यूनिफॉर्मली, यानी कि यूनिफॉर्मली टेपर कर रहा है, आपका बार कुछ इस तरीके का है, कुछ इस तरीके, ठीक है, यानी कि डायमीटर आपका कम हो जा रहा है, लगातार आपका डायमीटर कुछ इस तरीके से कम हो जा रहा है। ये आपका डायमीटर दिया हुआ है 36 mm का, और ये आपका डायमीटर दिया हुआ है 18 mm का, और उस पर जो लोड लग रहा है, दिस इज 12 kN का लोड लग रहा है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको दे रखी है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए हमको फाइंड करना है क्या, इलॉन्ग बार का इलॉन्गेशन फाइंड करना है, तो इलॉन्गेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू P × L / A × E। ए क्या हो गया, पी हमको दे रखा है 12 kN का, 12 × 10³ इंटू लंबाई की, लेंथ कितनी दे रखी है, कितने लेंथ पे कैटर कर रहा है, 450 मीटर, यानी 450 mm, यानी कि ये डिस्टेंस दे रखा है कितना है, 450 mm। ठीक है, अपॉन एरिया, अब एरिया है तो एरिया इज π/4 × d1 × d2, या अब क्योंकि यहाँ पे d1 d2 दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया × d1 × d2 से, यहाँ जहाँ पे d1 की वैल्यू हमने ले ली 36 और d2 की वैल्यू हमने ले ली 18। ठीक है, उसके बाद इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो एक वैल्यू हमको दे रखी है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब गाइस जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा, दिस विल कम एज 1/6 π। ठीक है, आप कैंसिल करके देख सकते हो,
ट्वेल्व को थ्री से काट दो और फिर थ्री जा थ्री को फाइव से काट दो, थ्री वन जा थ्री फाइव जा फिफ्टीन, फिर थ्री से काटो थ्री फाइव जा फिफ्टी, थ्री सिक्स जा एटीन और टेन पावर थ्री, टेन पावर फाइव काट दो तो यहाँ पर टेन पावर टू बचेगा। तो जब आप उसको सॉल्व करोगे इट विल कम एज वन बाय सिक्स पाई, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी वन बाय सिक्स पाई, हेंस बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमें पता चल गया कि टेपर बार, टेपरिंग बार क्या होती है, जिसका डायमेंशन आपका एक तरफ से दूसरे साइड तक चेंज हो रहा हो, एक बड़ा है दूसरा डायमेंशन छोटा हो, और एलोंगेशन हमको पी अपॉन ए से फाइंड करते हैं, जिसमें हम एक एरिया जो लेते हैं तो पाई बाई फोर डी वन इंटू डी टू लेते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि टेपरिंग वाला आपका ये इसमें भी बहुत बार पूछा गया, रेगुलरली रेगुलर इंटरवल्स पे पूछते हैं, और जितने भी स्टेट सर्विसेज एग्जाम होते हैं उनमें भी ये टेपरिंग वर्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये टेपर बार जो यूनिफॉर्मली टेपर हो रही है, ये आपको ज़रूर याद रखना चाहिए कि ये क्या होता है, टेपरिंग बार क्या होती है, और इसको हम इसका एक्सपेंशन जब निकालते हैं किसी भी लोड के कारण वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमको दे रखा है एक माइल स्टील बार दे रखा है, जिसकी लेंथ हमको दे रखी है 1.5 मीटर लॉन्ग, हैज अ स्क्वायर सेक्शन ऑफ 40 mm × 40 mm। जैसे कि मान लो ये आपको एक बार दे रखा है, ठीक है, ये आपका एक बार हो गया रेक्टेंगुलर साइज का, जिसका आपको साइज दे रखा है 40 × 40, ये भी 40 और ये भी 40, और कितना लेंथ दे रखी है, दिस लेंथ इज 1.5 मीटर लेंथ। बार सब्जेक्टेड टू अ टू डायमेंशनल स्ट्रेस, यानी कि सिग्मा एक्स दे रखा है, इस डायरेक्शन हमको स्ट्रेस दे रखी है कितनी, सिग्मा एक्स 310 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और ये टेंसाइल नेचर का है। सो गाइस ये हमने देखा था, ठीक है। तो बार सब्जेक्ट दो टेंसाइल स्ट्रेस लग रही थी 310 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का, और सिग्मा वाई लग रहा है 300 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का, यानी कि वाई ये आपका हो गया एक्स डायरेक्शन, और ये आपका हो गया वाई डायरेक्शन, और ये आपका हो गया जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में तो 310 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा था, और वाई डायरेक्शन में आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है कितना, 300 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये आपका स्ट्रेस लग रहा था, और मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू आपको दे रखी है, और पॉइजन रेशियो आपको 0.3 दे रखा है। हमको बताना है द इलॉन्गेशन ऑफ द बार इन सिग्मा एक्स कितना होगा। तो यानी कि सिग्मा एक्स जो भी हम करेंगे, पहले तो हमारे इसमें दो इलॉन्गेशन जुड़ेंगे। फर्स्टली इलॉन्गेशन कौन सा, जो हमारा 310 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, यानी कि सिग्मा एक्स डायरेक्शन में जो हमारा इलॉन्गेशन हो रहा है वो इस फोर्स के कारण कितना हो रहा है, दिस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन टी। तो ये आपका स्ट्रेन होगा, ठीक है, ये आपका इलॉन्गेशन हो गया, यानी कि स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, तो सिग्मा एक्स अपॉन ई हो गया। फिर उसके बाद आपका सेकेंड ऑप्शन क्या रहेगा, अब आपका सिग्मा वाई डायरेक्शन में भी स्ट्रेस लग रहा है कितना, 300 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का, तो दिस विल बी माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई, ठीक है। अब सिग्मा एक्स ये आपका इलॉन्गेशन हो गया एक्स डायरेक्शन ड्यू टू सिग्मा एक्स, और ये आपका इलॉन्गेशन हो गया इन एक्स डायरेक्शन ड्यू टू सिग्मा वाई, इस सिग्मा वाई फोर्स के कारण जो कंप्रेसिव नेचर का है। वाई डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में कितना इलॉन्गेशन होगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई, ठीक है। तो अब इसमें सिग्मा एक्स और ई की वैल्यू रिप्लेस कर दें, सिग्मा वाई और ई की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारा कितना आ रहा है, सिग्मा एक्स हमको दे रखा है 310 अपॉन 2 × 10⁵, माइनस म्यू कितना है 0.3 इंटू सिग्मा वाई कितना दे रखा है 300 अपॉन ई इज व्हाट 2 × 10⁵, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल कम एज 3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। एक चीज याद रखना, ये आपको ये कंप्रेसिव नेचर का दिया हुआ, यानी कि ये जो 300 वैल्यू होगी दिस विल बी माइनस साइन इसमें इंक्लूड होगा, तो यानी कि जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल कम एज 3 mm, दिस डेल्टा विल कम एज 3 mm इसको सॉल्व करने के बाद। हेंस करेक्ट आंसर विल बी डी, विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपने देखा यहाँ पर भी कि जब कभी भी स्ट्रेन एंड एक्सटेंशन डायरेक्शन हमको निकालना है, स्ट्रेस सिग्मा एक्स के कारण कितना आएगा, सिग्मा एक्स अपॉन ई, और अगर वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लग रहा है इसके कारण जो स्ट्रेन डेवलप हो रहा है दिस विल बी इक्वल टू म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई, यानी कि ये आपका हो गया स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन ड्यू टू सिग्मा स्ट्रेस इन एक्स इन सिग्मा स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन, यानी कि ये आपका हो गया स्ट्रेन एक्स डायरेक्शन में जब आपका फोर्स सिग्मा वाई यानी कि वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तब,
हेंस करेक्ट आंसर विल बी डी। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया और ये आपका फॉर्मूला बेसिकली जो है जो उसमें इस्तेमाल हुआ है। अब इसमें आपको मान लीजिए सिग्मा जेड डायरेक्शन भी दे दिया, तो अगर जेड डायरेक्शन में भी फोर्स लग गया तो उसमें भी आप फिर माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई ऐड कर दोगे, तो ये आपका जेड डायरेक्शन का भी इलोंगेशन जितना होगा वो एड अप कर देगा। ठीक है, तो अभी बस आप डी सोचिए, यानी कि डी विल बी दैट इज 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, द फेलियर ऑफ अ माइल्ड स्टील स्पेसिमेन ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क अकर्स एट इट्स अलोंग इट्स क्रॉस सेक्शन, करेक्ट। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या है, द फेलियर अकर्स ऑन अ प्लेन ऑफ द स्पेसिमेन सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड माइल्ड स्टील इज ऑलवेज वीक इन शियर, यानी कि स्टेटमेंट वन करेक्ट है और स्टेटमेंट टू इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी एकदम करेक्ट है, हेंस इसका ऑप्शन ए होगा, दैट इज स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि सभी लोग इस लेक्चर के थ्रू अब फायदा उठा सकें। सो गाइस, थैंक यू एंड प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।